अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग आज फिर निकल आए हैं घूमने के लिए, लेकिन हम लोग घूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकले। काम था हमें, थोड़ा सा हाल रोड पे लैपटॉप लेना था, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से पहले लाहौर से विज़िट कर लेते हैं। मे बी यहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए रीज़नेबल प्राइस में, तो इस वजह से ना हम लोग यहाँ पे आए हैं हाल रोड पे। और डिसाइड हम लोगों ने ये किया था कि मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी और उमर जो हैं वो जाएंगे विज़िट करने के लिए मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे इनको ये डर था कि गाड़ी कोई उठा के ना ले जाए। तो ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, इसके बारे में कोई उमर नहीं ही बताएंगे आपको। कोई नहीं, ये नहीं था कि कोई उठा के ले जाए, ये था कि वार्डन वाले ना उठा के ले जाए, यानी कि वो वार्डन वाले, आपको पता है कि गाड़ी ऐसे ही पार्क कर दें तो वो उठा के हाँ ले वही जाते हैं। ना। हाँ, ये PTCL का ऑफिस आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये उधर हार रोड की साइड पे ही था, और साथ ये ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन था, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था, इसलिए जो है ना वो हमने नाइट में इसको आपको बना पता लिया। है वैसे भी लाहौर का बहुत अच्छा रिव्यू लगता है। ये और बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक जो बिज़ी लाइफ है लोगों की बहुत ज़्यादा, और हम लोगों ने इस वजह से लाहौर को इतना प्रेफर नहीं किया, फैसलाबाद को किया है कि वो एक पुरसकून सिटी लगता है हमें। अच्छा, यहाँ पे हम आए थे, आज ना मोना की बर्थडे भी थी साथ, तो बच्चों ने भी ज़िद की हुई थी कि जो है ना मोना को हमने भी गिफ्ट देने हैं, तो फिर बच्चों के लिए यहाँ पे जो है ना वो गिफ्ट देखने के लिए आए थे कि चलो बच्चों के लिए जो है ना कुछ गिफ्ट ले लेते हैं जो वो इज़िली जो है ना मोना को दे सकें, तो बस वो बच्चों के लिए ख़ुद भी लेने थे गिफ्ट, लेकिन खुद जो है ना यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं है, तो ये लुबना और उसकी सिस्टर जो है बाहर आ रहे हैं गिफ्ट वगैरह लेके, बच्चों के लिए नहीं है, अपने लिए भी, यानी कि लेंगे, आगे मार्केट जाएंगे वहाँ से लेंगे, यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं थी एरिया वाली शॉप से, तो इसलिए जो है ना अब लिबर्टी जा रहे हैं, तो वहाँ से जाके जो है ना बच्चों के लिए देखते हैं। क्योंकि हम लोगों का माइंड पूरा था कि हम लोगों ने संडे नाइट जब फंक्शन ख़त्म होगा तब घर आ जाएंगे, नहीं तो मंडे को इंशाल्लाह मस्ट आ जाएंगे। लेकिन उमर की तबीयत भी कुछ डाउन सी हो रही थी, क्योंकि मुसलसल सफ़र कर रहे थे हम लोग, और थकावट आपको पता है शादी की वैसे ही हो जाती है। कुछ मोना ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, रोना शुरू हो गई कि नहीं लुबना खाला आपने नहीं जाना, अंकल आपने नहीं जाना, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करके जानी है। तो फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि बच्ची का दिल है जहाँ पे, हम लोगों ने इतने दिन रह लिए तो एक दिन और सही, चलो हम लोग ट्यूसडे को चले जाएंगे। इस वजह से भी हम लोग रुक गए थे। तो नाना अबू की तबीयत भी कुछ डाउन डाउन सी लग रही थी, तो उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना था। फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग आज की नाइट यहीं पे स्टे करते हैं और इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन जो है वो घर वापस जाएंगे। लिबर्टी का मैंने बोला था इनको, तो ये कह रहे थे कि काफ़ी यहाँ से डिस्टेंस होगा, पता नहीं दूर होगा काफ़ी, तो लेकिन ये था कि इतना दूर नहीं था, तकरीबन आधा घंटा घंटे का सफ़र था। आधे घंटे का सफ़र था, फिर लिबर्टी की तरफ जो है ना जा रहे हैं, ये मोना व्यू बहुत भी, अच्छा था। मोना भी हमारे साथ ही है, तो मोना को साथ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि मोना की पसंद की ही चीज़ लेनी थी, उसकी बर्थडे थी वो, हमने उसे कहा था कि तुम जो कहोगी ना वही तुम्हें लेके देंगे गिफ्ट, तो उसकी पसंद के गिफ्ट लेना था, इसलिए उसे साथ ही वैसे लेके जा तंग रहे तो हैं। दानी भी बहुत कर रहा था। अच्छा, मेरे बच्चों का ये इशू है, किसी की भी बर्थडे होगी ना, जिसकी बर्थडे होगी उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इनको होगी कि हम सब ने सेपरेट से सब ने गिफ्ट देने हैं। मैंने इनको इतनी बार समझाया है कि आप लोग भी घर का हिस्सा हो, मतलब अगर एक पर्सन घर में से दे देता है तो सबकी तरफ से हो जाता है, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते। ये कहते हैं हम सब का मतलब सेपरेट सेपरेट गिफ्ट हो जो हम लोगों ने देना है। और दानी तो मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था कि मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, मैंने काफ़ी बार इसको लेके भी दिया लेकिन बहुत जल्दी ये ख़राब कर देता है। तो अभी मेरे इसके साथ ज़िद्दी लगी हुई थी, हर बार जब भी मैं मार्केट जाने लगती हूँ मुझे कहता है मम्मा आपको याद है मेरी वो चीज़, तो मैंने आज डिसाइड किया था कि इसको भी वो दिला दूँगी। जी, लिबर्टी पहुंच गए हम, पार्किंग में लिबर्टी की जो है ना वो हम गाड़ी अपनी खड़ी कर रहे हैं, तो अंदर जा रहे हैं लिबर्टी की तरफ हम। जी, आज हम इधर जो है ना लिबर्टी आए थे, मोना की बर्थडे है सुबह, ये साथ ही मोना हमारे, आज रात 12 बजे के बाद हमने सेलिब्रेट करनी थी, तो यहाँ पे इसके लिए गिफ्ट वगैरह लेने आए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे जो है ना ये लिबर्टी मार्केट है, गाड़ी अपनी अपनी जो है ना यहाँ पार्क कर ली है, तो अब जो है ना हम अंदर जाएंगे,
मोना के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखेंगे, यहाँ से देखते हैं मोना के लिए क्या लेना है। मोना क्या लेना है आपने अपने लिए? अपने लिए एक डॉल लेनी है और डॉल हाउस लेना है जी। मोना ने जो है ना वो बोला है डॉल और डॉल हाउस लेने का, तो यहाँ से मोना को हम डॉल और डॉल हाउस दिलाएंगे इंशाल्लाह लेके। तो अब चलते हैं अंदर, चलें मोना फिर? यस जी, अब अंदर चलते हैं जी। अब मोना को लेके जो है ना अंदर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर मार्केट में जाके फिर ये है कि मोना की पसंद का ही गिफ्ट उसे दिलाएंगे, जो मोना कहेगी वही डॉल और वही डॉल हाउस लेके देंगे। ये मोना के लिए हमने जो है ना गिफ्ट ले ली है, तो अब जो है ना हम लिबर्टी मार्केट से बाहर निकल आए हैं, तो अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ के अब घर जाएंगे और रात को जो है ना वो मोना की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मोना को दिखाया नहीं है हमने जो गिफ्ट उसके लिए लिया है, उसे हमने थोड़ा सा साइड पे खड़ा कर दिया था, लेकिन लिया जो है ना इसकी पसंद का ही है। अब घर जा कर ये देखिए कि लिया कौन सा है, तो घर जा कर जो है ना इसे गिफ्ट भी दिखाएंगे और बाकी जो है ना सारी सेलिब्रेशन इसकी जो बर्थडे की वो घर जा करेंगे जी। ये वापस जा रहे थे हम, तो रास्ते में ना ये होटल आया था एक, तो लुबना मुझसे पूछने लगी कि ये ना सारी कंट्रियों के यहाँ पे लगे हुए थे फ्लैग्स, तो लुबना ने कहा कि ये क्यों लगे हैं। तो फिर मैं उसे बता रहा था कि यहाँ यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं ना, जैसे क्रिकेटर हैं, तो यहाँ पे आके स्टे करते हैं इन होटलों में ना, तो इसलिए जो है ना वो सारी कंट्रीज़ के जो है ना वो यहाँ पे लगे हुए हैं जी। काफ़ी अच्छे लग रहे थे और सस्पेंस भी एक क्रिएट हो गया था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा था कि हर कंट्री का जो फ्लैग है वो लगाओ कहीं पे किसी भी बिल्डिंग पे, तो इसलिए मुझे सस्पेंस भी हो रहा था कि होटल है तो यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं। तो फिर उमर ने मेरी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर कर दी है, शायद इनको खुद वैसे कन्फर्म नहीं था लेकिन मैंने किसकी कन्फ्यूजन दूर कर दी, इसे बताया कि चलो ये थोड़ा सा ना सेटिस्फाइड हो जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाद में मैंने इनसे पूछा तो कहते हैं मुझे भी खुद को कन्फर्म नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको कन्फर्म नहीं है लेकिन थोड़ी आपने मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी, मैं भी ऐसे ही हो। अब हम लोग जा रहे हैं वापस और हम लोग इतने क्यों थक गए हैं जी। गारा मांगे थे तो मोना की बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट कर ली थी, लेकिन ये है कि मेरी तबीयत जो है ना आपको लुबरा ने पहले भी बताया कि ख़राब थी, तो मैं आके लेट गया था, तो वीडियो जो है ना वो बन नहीं सकी थी, इन्होंने ना वीडियो बनाई नहीं है उसकी जो बर्थडे सेलिब्रेट की है। तो ये सुबह जो है ना मैंने फिर जो गिफ्ट उसे दिया था ना जो उसके लिए हम लेके आए थे डॉल और डॉल हाउस, तो सुबह जो है ना उसकी फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा वीडियो इसकी बना लूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करनी थी, तो इसलिए सुबह उसकी वीडियो बनाई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मोना, बहुत हैप्पी थी, बहुत देर से उसकी विश थी कि मुझे डॉल चाहिए और साथ में डॉल हाउस चाहिए, तो आज फाइनली उसकी ये विश पूरी हो गई। हालांकि उसको खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चियां जो होती हैं इनका शौक होता है, ये गुड़ियां वगैरह जो होती हैं ना डॉल वगैरह, इनसे बड़ा एक आप ये समझ लें कि लगाव होता है, तो वो उसको बहुत शौक था। फिर मैंने ये वाला डॉल हाउस लिया जिसमें उसके ड्रेसेस भी थे, क्योंकि वो कंप्यूटर पे देखती रहती थी कार्टून वगैरह, तो उसमें ड्रेसेस का भी होता था, तो वो कहती थी मुझे ड्रेसेस भी डिफरेंट किस्म के मिलें कि जो मैं उसको चेंज करवा सकूं। ये डॉल हाउस था तो ये भी उसे बहुत पसंद आया, बहुत माशाल्लाह हैप्पी हुई वो, और अब आज उसने फिर हमें आने की भी परमिशन दे दी कि हाँ जी आप चले जाएँ कोई बात। हाँ जी मोना मैडम, खुश हो? यस। कितना? बहुत। गिफ्ट कौन सा मिला आपको? हाउस और डॉल। डॉल प्यारी लगी है आपको? यस। तो थैंक यू किसको बोलना है? आपको और दान की मम्मा को। तो बोल दो फिर। थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग फैसलाबाद के लिए निकल आए हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फजर की नमाज़ के फौरन बाद निकल आएंगे, बट इतनी हिम्मत नहीं हुई थकावट की वजह से। मेरी पैसों में तबीयत ख़राब थी ना, तो इसलिए जो है ना थोड़ा लेट निकले हैं, ताकि क्योंकि तबीयत मेरी सेट होगी तो फिर ही निकल सकना था, क्योंकि ड्राइविंग मैंने करनी थी तो मुझे थोड़ा इशू बन जाना था ड्राइव करने में, इसलिए थोड़ा लेट। और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो सेट सामान वगैरह तो मैंने पहले ही अपना पैक करके रख लिया। हम तकरीबन 2 बजे निकल आए थे वहाँ से, तो अब हम फैसलाबाद पहुँच गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।